तस्वीरों में आप कोसी बराज पर वाटर फ्लो देख रहे हैं। देखिए किस तरह से मानसून के दस्तक देते ही बराज में पानी की उफान बढ़ने लगा है। किस तरह से कोसी नदी अपने परचम उफान पर है। अगर यहाँ पर वाटर फोर्स की बात करें तो अगर आप इस पुल पर खड़े हो जाएंगे और पानी की तरफ देखते रहेंगे तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि अगर वो हृदय रोगी है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर लोग डर कर पुल से दौड़कर भाग जाएंगे। वस्तुतः पानी को देखते हुए पुल पर खड़ा रहना यहाँ संभव नहीं होता क्योंकि वाटर फोर्स इतना ज़्यादा होता है। कभी कभी तो जब लकड़ियों की टकराहट इसके बराज के गेट से होता है तो कंपन इतना तेज होता है कि लगता है कि पुल अब टूट गया। ऐसे में बराज पर खड़ा होना डर भरा माहौल को न्योता देना है। बरसात से पहले बराज कुछ इस तरह से शांत और सुशील बह रहा था। देखिए कि वाटर फ्लो कितना ही अविरल और शांत धाराएं बह रही है, लेकिन जैसे ही बरसात आता है वैसे ही पानी की वेग यहाँ तीव्र गति धारण कर लेती है। पानी तीव्र गति में बहने लगता है और कोसी फिर से तांडव मचाने को बेकाबू हो जाता है। यहाँ देखिए कि किस तरह से बरसात से पहले की तस्वीरें हैं और ये बरसात के बाद का सिचुएशन है। जैसे ही मानसून ने दस्तक दिया है कोसी उफन रही है और कोसी वासियों को फिर से बाढ़ के खतरे का डर सताने लगा है। नेपाल जिस तरह से अपने बॉर्डर क्षेत्रों में अभी गतिविधि को अंजाम दे रहा है, ऐसे में भारत सरकार को उस क्षेत्र में निगरानी रखना भी अभी कठिन हो रहा है और कहें तो भारतीय अधिकारियों को बहुत मशक्क़त के बाद ही उस तरफ जाने का मौका मिलता है। ऐसे में भारत को बाढ़ का जो डर है वो ज़्यादा सता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीन के प्रेशर में नेपाल जिस तरह से भारत के साथ अपने दोस्ती में दगा देते हुए नज़र आ रहा है या फिर कहें तो अपने संबंधों को बिगाड़ रहा है, ऐसे में अब बांध की मरम्मति और बाढ़ का देख रेख करना बिहार सरकार और भारत सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। हम लगातार इस सिचुएशन पर नज़र बनाए रखे हैं। जैसे ही जैसे हमारे पास जो भी अपडेट आएगा हम लेकर फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।